सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, जो कि एकदम फ्री है। थैंक यू फ्रेंड्स। मैं आज आपको सलवार के मोहरी में यानी कि पोंचों में डिजाइन डालना बताऊंगी। जो देखिएगा, मैंने ऊपर और नीचे इस तरीके से लहरिया बना लिया है। ये मेरी मोहरी 3.5 इंच है, देखिएगा मैं दिखाती हूँ आपको। ये 3.5 इंच चौड़ी है यहाँ से, ये देखिएगा। तो इसमें मैंने ऊपर नीचे लहरिया बना लिया है। अब हम इसमें डिजाइन डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें निशान लगाएंगे, जो कि हमारा 2.5 इंच पर होगा। इस तरीके से 2.5 इंच का निशान ऊपर और 2.5 इंच का निशान नीचे लगाएंगे। इस तरीके से हम पूरी मोहरी में निशान लगा लेंगे। ये 2.5 इंच का निशान हम दोनों साइड लगाते हुए चले जाएंगे। पूरी पोंचे में मैं इस तरीके का से निशान लगा लेती हूँ। देखिए फिर इस तरीके से मैंने 2.5 इंच के निशान लगा लिया। निशान लगाने के बाद मैं देखिएगा ये कड़ा ले रही हूँ अपना। कड़ा लेने के बाद देखिएगा नॉर्मली जो हमारे निशान है, इस निशान को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से मैं अपना कड़े से इस पर इस तरीके से हाफ सर्कल बना लूँगी। तो ये सर्कल दोनों साइड ही बनाने हैं मुझे। तो देखिए जो अपना 2.5 इंच का निशान था उससे और दूसरा 2.5 इंच के निशान को मिला के इस तरीके से बनाना है। दूसरा सर्कल भी मैं इसी तरीके से बनाऊँगी और ऊपर की साइड भी हमें इसी तरीके से बनाएंगे। और मैं ऊपर की साइड भी सर्कल बना देती हूँ साथ के साथ। तो इस तरीके से मैं ऊपर नीचे दोनों साइड सर्कल बनाएंगे, हाफ हाफ सर्कल। इस तरीके से हम पूरे पोंछे तैयार कर लेंगे लाइन करके। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने सारे पोछे पर ये डिजाइन बना ली है। अब मैं इसके ऊपर सिलाई फेर दूंगी ये डिजाइनों पर ही। तो सिलाई हम इस पर कर लेते हैं ये डिजाइन के ऊपर ही। आगे का डिजाइन फिर बताऊंगी आपको इसी वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिए फ्रेंड्स, मैं स्टेप बाय स्टेप बहुत ईजी तरीके से बता रही हूँ मोहरी में डिजाइन डालना। फ्रेंड्स मैंने सिलाई लगा ली, देखिएगा ये दोनों साइड। और सिलाई लगाने के बाद देखिएगा इस तरीके से दिखाई दे रही है ये। फ्रेंड्स ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब हमारा जो मशीन का बड़ा फुट होता है एक साइड का, तो उस फुट से किनारे किनारे और एक और सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर होते हुए। तो वो मैं भी वो कर लेती हूँ, दोनों साइड ही लगाएंगे वो सिलाई। तो देखिएगा मैं ऊपर एक फुट की दूरी पर निशान बिना निशान लगाए सिलाई कर लेती हूँ। दोनों साइड मैंने एक एक फुट की दूरी पर सिलाइयाँ कर ली हैं दोनों घेरों के ऊपर। देखिएगा फ्रेंड कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी। अब मैं पेंसिल से फिर से निशान लगाऊंगी। हमारी डिजाइन थोड़ी और बाकी है तो अब वो भी देख लीजिएगा। इस तरीके से हम निशान लगाएंगे, देखिएगा। अब फ्रेंड देखिएगा ये मैंने इस तरीके से सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद एक क्रॉस का निशान इस तरीके से लगाएंगे। ये मैं आपको बहुत ईजी तरीके से बता रही हूँ। इसमें एक क्रॉस का निशान लगा लेंगे बराबर। और देखिएगा जो लहर आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। ये एक क्रॉस यहाँ भी लगा देंगे हम इस तरीके से। तो ये वाला इधर से जाएगा, ये वाले की इधर और इसकी इधर, इस तरीके से देखिएगा। अब इसकी लहर बनाते हुए हम इस तरीके से आएंगे और इसमें मिला लेंगे। फिर इधर से सीधा इधर ऊपर आएंगे और इससे इस तरीके से मिलाते हुए निकल जाएंगे। तो मैं करके दिखाती हूँ आपको। इसी तरीके से इस वाली लहर का भी होगा। ये लहर यहाँ से जाएगी जिगजैग होती हुई इस तरीके से, और ये फिर इधर से मिल जाएगी और ये इधर आके मिलेगी इस तरीके से लहर करती हुई। इसी तरीके से यहाँ से सीधी आएगी और ये। तो फ्रेंड ये कुछ इस तरीके से बनेगी हमारी डिजाइन। तो ये मैं डिजाइन को बना लेती हूँ, पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ इस तरीके से।
जो ये ले रही है ये हमारे ओनली हाफ सर्कल है उसके अंदर रहेगी, और साइड वाले डिजाइन में क्रॉस इस तरीके से क्रॉस बन जाएगा इनको दोनों को जोड़ते हुए। तो मैं पूरा आपको पेंसिल से करके दिखाती हूँ और उसके ऊपर फिर सिलाई फेर दूंगी। ये देखिएगा बहुत ईजी वे में मैंने आपको सिखाया है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। ये देखिएगा इस तरीके से मैंने थोड़ा हल्का सा हिलाते हुए लहरिया बना लिया है, और इस तरीके से फिर उधर से सीधा लाएंगे और फिर लहरिया बनाएंगे। ओनली हाफ सर्कल के अंदर लहरिया बनाया है और बाकी की साइड में क्रॉस का एक क्रॉस की तरह डिजाइन बनी है, उसी से क्रॉस करते हुए हम दूसरे हाफ सर्कल में पहुंच जाते हैं। देखिएगा इस तरीके से अब दूसरी साइड के हाफ सर्कल में आ गए हम इस तरीके से। तो इस तरीके से मैंने ये डिजाइन पूरा कम्प्लीट कर लिया। और दूसरी साइड भी हम ऐसे ही करेंगे, एक हिस्सा हमारा दूसरी साइड का आएगा ऊपर की साइड का, एक साइड नीचे की साइड का आएगा। देखिएगा ये मैं ऊपर की साइड बना रही हूँ, तो एक एक साइड हमारा नीचे का रहेगा, एक क्रॉस करते हुए निकल जाएंगे और यहाँ नीचे वाले में कर लेंगे। तो फ्रेंड्स बहुत ईजी तरीके से बताया है मैंने इसे तरीके से। देखिए फ्रेंड्स मेरे पोंछे तैयार कर लिए मैंने, तैयार करने के बाद देखिएगा किस तरीके से दिखाई देने, कितना प्यारा लुक आ रहा है ना। ये देखिएगा ये फ्रंट में देखिएगा कितना प्यारा दिख रहे हैं पोंछे। तो फ्रेंड्स आप भी इस तरीके से इजी तरीके से घर पे बना सकते हैं, पोंछों में नई नई डिजाइनें डाल सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, जो कि एकदम फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।